कर दिया है रिकॉर्डिंग ऑन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई साहब हम लोग देख रहे थे कि जब हम बात करते हैं सप्लाई की तो देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द सप्लाई। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो सप्लाई को क्या करते हैं ना, अफेक्ट करते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सप्लाई इज व्हाट बेटा? प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा था हमने? प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। कोई बताएगा लॉ ऑफ सप्लाई में रिलेशनशिप कैसा है? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप कैसा है लॉ ऑफ सप्लाई में? सर लॉ ऑफ सप्लाई में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? सर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? एकदम परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बहुत बढ़िया। इसीलिए लॉ ऑफ सप्लाई में सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा आता है? स्लोप स्लोप कैसा आता है? हाँ अपवर्ड डाउनवर्ड कैसा आता है? अपवर्ड स्लोप आएगा। वेरी गुड बेटा वेरी गुड बेटा। और कौन सा फैक्टर है? जैसे हमने देखा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या देखा था दोस्तों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस और नो? करेक्ट है। हमने क्या देखा था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा था। बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने क्या देखा था? हायर द कॉस्ट लोअर द डिमांड, लोअर द कॉस्ट हायर द डिमांड। दिस इज व्हाट बेटा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन क्या देखा था हम लोगों ने? हाँ उसके बाद हम लोगों ने देखा था टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड। हाँ है ना? ठीक है। टेक्नोलॉजी ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड। टेक्नोलॉजी अगर एडवांस आपकी टेक्नोलॉजी होगी तो डिमांड बढ़ेगा। अगर आपके पास बैक मतलब पुअर टेक्नोलॉजी है तो डिमांड सप्लाई कम हो जाएगा आपका। करेक्ट है। देन उसके बाद हम लोगों ने बात की थी लॉ ऑफ सप्लाई की। लॉ ऑफ सप्लाई तो एकदम इजी था। एक्सेप्शन का हम लोग देख रहे थे। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, सर कल के लेक्चर की लिंक बेटा ग्रुप पे आ जाएगी, डोंट वरी, ग्रुप पे अपलोड करवा दूंगा आज मैं, है ना। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देखा था। सबसे पहले था लेबर सप्लाई। कोई बोलेगा लेबर सप्लाई में स्लोप कैसा आता है? लेबर सप्लाई में स्लोप कैसा आता है? लेक्चर। हाँ जी, बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप आता है। कैसे आता है? बैकवर्ड बेंडिंग। पूरा बोलो रे, पूरा बोलो, ढोक लो, पूरा बोलो। बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप आता है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। कल के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, आज यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे, यार अर्जेंसी होती है। अर्जेंट जब पैसों की जरूरत होती है तो हम कम रेट पे क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। इवन एट ए लोअर प्राइस हम सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन में आया था। फिर थर्ड वन हम लोगों ने देखा था यार, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नीड फॉर कैश के बाद हम लोगों ने देखा था ये वाला रेयर आर्टिकल। यस रेयर आर्टिकल हम लोगों ने देखा था। ट्रू, रेयर आर्टिकल हम लोगों ने देखा था। रेयर आर्टिकल के बाद में हमने एक और पॉइंट देखा था। एक और पॉइंट देखा था हम लोगों ने, क्या देखा था? फोर्थ वन, एग्रीकल्चर गुड्स। कौन से गुड्स? एग्रीकल्चर गुड्स। ठीक है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स जिसके अंदर हमने क्या देखा था? एक्सेप्शंस होते हैं। सर एग्जीक्यूटिव वालों को क्यों? क्या है एग्जीक्यूटिव वालों को क्यों? ए तूने एग्जीक्यूटिव में भी लिंक भेजी क्या? एग्जीक्यूटिव वाले गलती से आ गई थी भैया लिंक। एग्जीक्यूटिव वाले गलती से लिंक आ गई थी बेटा। सर आप मुझे कल का लेक्चर थे। हाउ हाउ माँ, मेरी माँ। यस नेहल कहाँ गई बेटा? नेहल बेटा किधर है तू बेटा? मिल जाएगी मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेते ऐसा बेटा, मिल जाएगी। देखो सर मैं लेट हो गई। अच्छा है लेट हुई है, कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं, डोंट वरी। ओके सर, बाय बाय। ओके सर नोट्स भेज दो। सुनना, सी एस ई टी के इकोनॉमिक्स के नोट्स वेबसाइट पे अपलोडेड है? कर दो, अपलोड कर दो ना उसको, है ना? ई टी के पेज में है ना? चलो ठीक है, दिखा देता हूँ आज मैं इनको कैसे डाउनलोड करना है। चलिए बड़ीस, सर आज सफेद शर्ट क्या बात है? क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है, क्या किराए पे ली थी ना, तो मैं अभी कल वापस देना पड़ेगा, तो आज पूरा रेंट वसूल कर लेता हूँ, है ना? हमें नहीं मिला तृप्ति भाई साहब। कौन से वेबसाइट पे ढूंढ रही थी तू? नहीं मिला, ऐसा लिख के आ रहा था कि वेबसाइट हैज़ बीन ब्लॉक करके। वो कोई और वेबसाइट है बेटा जहाँ तो ढूंढ रही थी? यूनिक की वेबसाइट पे देख मिलेगा। सारा वेबसाइट पे नोट्स नहीं मिलता तुमको, है वेबसाइट पे नोट्स मिलता नहीं है तुमको। बाकी तुम हर बैन जो जो चीज़ें बैन हुई ना उसका जुगाड़ तुम्हारे पास है ना, सब निकाल लोगे तुम, लेकिन तुम क्यों वेबसाइट पे नोट्स नहीं मिलती? अच्छा बेटे बेटे, अच्छा सर यू आर लुकिंग स्मार्ट। क्या बात कर रहा है सच्ची, क्या ऐसा? चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। वाह आदित्य बहुत बढ़िया बेटा, आदित्य बढ़िया। चलिए कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। सी देखो, जब हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी सप्लाई की, एक्चुअली दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। दो फैक्टर है, एक है प्राइस, एक आपका प्राइस, एंड सेकेंड वन इज व्हाट बेटा?
अदर फैक्टर, एकदम कंफर्टेबल होकर आंसर करिएगा। एक कौन सा बेटा आपका प्राइस एंड द सेकंड वन इज व्हाट बेटा आपका अदर फैक्टर। सो ये दो फैक्टर आपके सप्लाई को अफेक्ट करता है। अफेक्ट तो बहुत फैक्टर करते हैं बट हमने कैटेगराइज कर दिया दो पार्ट में। फर्स्ट वन आपका कौन सा है बेटा, फर्स्ट वन आपका आ गया प्राइस एंड द सेकंड वन इज व्हाट बेटा आपका अदर फैक्टर। पहला कौन सा आ गया आपका प्राइस आ गया और सेकंड वन कौन सा आ गया आपका अदर फैक्टर। यस और नो, एकदम परफेक्ट एकदम परफेक्ट। अच्छा सर ठीक है सर, सर प्राइस की वजह से सर अगर डिमांड अफेक्ट हुआ ना, सर प्राइस की वजह से अगर डिमांड अफेक्ट हुआ ना तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सप्लाई, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सप्लाई, तो उसको हम क्या कहते हैं वेरिएशन। और अगर अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई अफेक्ट हुआ ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं चेंज इन सप्लाई। उसको क्या कहेंगे यारो, चेंज इन सप्लाई। जैसे क्या हुआ मालूम, ये शुभम सिंह है ना, शुभम सिंह छोटा बेबी लेके बैठा है, अरे वाह हाउ क्यूट एकदम। शुभम सिंह जो है ना, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, आज कल वाला भी हो जाएगा, आज भी अपलोड हो जाएगा, नहीं डोंट वरी। तो शुभम सिंह है ना, शुभम सिंह क्या करता है मालूम, इसका ना लिपस्टिक का दुकान है। क्या है, लिपस्टिक का दुकान है भाई साहब इसका, सबको लिपस्टिक देता है टेस्ट कर करके। ए इमरान हाशमी वाला धंधा, ए भाई ऐसे नहीं करते बेटे। तो अब यार यार ये लिपस्टिक बेचता है। अब हुआ यूं, लिपस्टिक का इस बार प्राइस बहुत बढ़ गया, शादियों की सीजन थी, लिपस्टिक का प्राइस बढ़ गया, इसलिए इसने सप्लाई बढ़ा दी। ये बताइए ये क्या है, वेरिएशन है या चेंज है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, वेरिएशन है या चेंज है। कम ऑन एवरीबॉडी, इसको वेरिएशन कहेंगे या चेंज कहेंगे। गाइज इसको कहेंगे हम लोग वेरिएशन, बिकॉज ऑफ व्हाट, इट हैपेंस ड्यू टू प्राइस। ये प्राइस की वजह से हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से हो रहा है, इसको हम इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। अच्छा ये COVID-19 कोविड के चलते है ना, कोविड के चलते इस बार इसका ना शॉप ओपन नहीं हो पाया, करेक्ट है, कोविड के चलते वह इसका शॉप ओपन नहीं हो पाया, इसलिए सप्लाई कर नहीं पाया, ये सप्लाई कर नहीं पाया। बताइए अब क्या है, अब बताइए क्या है, ये क्या है अब बताइए, दिस इज वेरिएशन या चेंज। देखो एक सिंपल सी बात है, जैसे हमने डिमांड में देखा था, अगर इट हैपेंस बिकॉज ऑफ प्राइस ना तो ये वेरिएशन है, अदर फैक्टर अगर है ना तो ये चेंज की वजह से। अगर 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 प्राइस की वजह से होगा तो वेरिएशन होगा, अदर फैक्टर होगा तो यार क्या होगा, चेंज होगा। एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। सपोज हुआ यूं, हमारा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ मैं, उसका प्राइस बढ़ गया, उसका प्राइस बढ़ गया भाई साहब, प्राइस बढ़ गया, पहले 5,000 में पढ़ाता था, अब 10,000 हो गया, तो मैं अब इकोनॉमिक्स ना ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बताइए ये जो मैंने सप्लाई बढ़ाई है किसकी वजह से बढ़ाई है, ये मैंने प्राइस की वजह से बताइए बढ़ाई है, तो ये क्या है, वेरिएशन है या चेंज है, वेरिएशन है या चेंज है, बताइए जल्दी से। इसको हम क्या कहेंगे यारो, वेरिएशन कहेंगे, क्योंकि क्या हुआ है, प्राइस की वजह से, क्या हुआ है बेटा, प्राइस की वजह से हुआ है। ओके ओके, कोविड के चलते हुए सारे क्लासेस हमारे बंद हो गए बाबू, सारे क्लासेस हमारे बंद हो गए, हम कोई भी क्लासेस नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से सप्लाई कम हो गई, तो बताओ किसकी वजह से हुआ है, प्राइस की वजह से हुआ है या अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर की वजह से। तो इसको हम क्या कहेंगे, कोविड की वजह से क्लासेस की सप्लाई कम हो गई, इसको हम क्या कहेंगे, चेंज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चेंज। सो जब प्राइस की वजह से होता है तो वेरिएशन, अदर फैक्टर की वजह से होता है तो चेंज। सुपर एकदम परफेक्टली, वेरिएशन के दो पार्ट है, वेरिएशन के एक्चुअली दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज व्हाट बेटा, एक्सपांशन, एंड द सेकंड वन इज व्हाट यारा, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन के केस में क्या होगा, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, दिस इज एक्सपांशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस, दिस इज नोन एज व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन में सप्लाई बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई कम होगा, एक्सपांशन में सप्लाई बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई क्या होगा मुन्ना, कम ऑन एवरीबॉडी। तो बता सकते हैं हम लोग एक्सपांशन के केस में, एक्सपांशन में प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस। क्या बात है, सही बात है, एकदम सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया, ले लेते हैं एक और एग्जांपल, ले लेते हैं एकदम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। श्रुति मैडम है, श्रुति चौरसिया, इधर उधर देख के हंसना नहीं बेटे, पकड़े गए, ऐसे नहीं करते ना बाबू। ओके तो श्रुति मैडम है ना, श्रुति मैडम का ना रसगुल्ले का दुकान है, किसका दुकान है, रसगुल्ले का, मस्त स्वीट खिलाती है लोगों को, बढ़िया बढ़िया एकदम अच्छे अच्छे सबको है ना, बंगाली स्वीट खिलाती है, करेक्ट है। अब मुझे बताइए, इंस्पायर्ड फ्रॉम बबीता जी, बबीता जी से इंस्पायर्ड है, जैसे बबीता जी जेठालाल को खिलाते हैं, आपके लाइफ में भी कोई जेठालाल है, नहीं अयर, नहीं चलो कोई नहीं। ओके तो अब श्रुति मैडम क्या खिला रहे हैं, रसगुल्ले खिला रहे हैं, है ना, रसगुल्ले खिला रहे हैं। तो इस बार रसगुल्ले का भाव बहुत बढ़ गया यार, प्राइस बहुत बढ़ गया, तो इसने क्या किया, पहले ना ये 10 kg रसगुल्ला बेचती थी, अब ये ना 15 kg बेच रही है, 10 की जगह 15 kg बेच रही है। मुझे बताइए ये क्या है, एक्सपांशन है या कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपांशन है, क्यों, सप्लाई बढ़ा है, सप्लाई बढ़ा है ना, एक्सपांशन है, क्यों, क्योंकि हायर दी प्राइस हायर दी क्वांटिटी सप्लाई, हायर दी प्राइस हायर दी क्वांटिटी सप्लाई, ये क्या आपका एक्सपांशन है। ओके
ऑन द अदर एंड इस बार रसगुल्ले का प्राइस इतना सस्ता हो गया ना, मार्जिन ही नहीं रहा, हर घर में रसगुल्ले बन रहे ना, तो मार्जिन ही नहीं रहा। तो इसने बोला यार मैं नहीं बेचूंगा, श्रुति बोले मैं सप्लाई कम कर दूंगी, प्राइस ही बहुत कम हो गया। प्राइस कम होने की वजह से बेटे ने सप्लाई कम कर दी, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। सो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये किस की वजह से होता है, ये प्राइस की वजह से होता है। सर मैं लेट हूँ, कोई नहीं बेटा आदिति, ये प्राइस की वजह से होता है, ये प्राइस की वजह से होता है, करेक्ट आंसर सुन लो। ओके 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 निशिका बेटा अंधेरे में क्यों बैठो, लाइट लगा लो। अच्छा ठीक सो है लाइट है, ओके ओके ये छुपके बैठी है सबसे, है ना, सबसे छुपके बैठी है, बोले घर में किसी ने सुन लिया ना तो मेरे क्लासेस बंद हो जाएंगे, तो चुपचाप से बैठे। प्लीज सर रिपीट, मैं लेट आई हूँ। बेटा तनिष्का एक तो लेट आयो, ऊपर से रिपीट, तेरी सासू का माथा हो जाएगा, ध्यान दे यहाँ पे अभी, चलो। ओके सर आपका जो एक स्टूडेंट था प्रसन्न है वो कहाँ है? ओ माय गॉड तेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा प्रसन्न नाम है, दूर रहे बेटा दूर रहे, हवले जैसे नक्को करूँ, हवले जैसे नक्को करूँ। सर रक्षाबंधन की प्लानिंग है क्या? कल सामूहिक रक्षाबंधन होने वाला है, जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी मतलब लड़कियां हैं, वो सबको राखी बांधेगी, है ना, सबको राखी बांधेगी। कल मालूम पड़ा लड़कियां लड़कियां, लड़के है ही नहीं लेक्चर में, बोले सर ने ना ना ना, बोले कल लेक्चर ही नहीं लेना, बोले कल के इसमें हुआ कभी ऐसा कि आपने राखी के दिन आप स्कूल वगैरह में होता था ना, स्कूल वगैरह में हम गए ही नहीं है फिर, या फिर जो आपको पसंद हो उसने आपको राखी बांध ली, फिर हम लोग बोलते थे नहीं नहीं लेफ्ट हैंड में बांधती है, लेफ्ट हैंड में बांधा तो क्या होता है, कुछ तो वाइफ लेफ्ट हैंड में बांधती है, फालतू के कुछ तो बोलते थे हम लोग। ठीक है चलिए ओके, अब देखो यार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज व्हाट, चेंज की हम लोग बात करेंगे। चेंज की अगर हम बात करेंगे तो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से हो रहा है या अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है? पहले तो ये बताइए प्राइस की वजह से हो रहा है या अदर फैक्टर की? इसकी आश्चर्य की चालू होगी आदित्य की, बोले सर मैं परीक्षा को छोड़ के किसी से भी राखी बंधवा लूंगा, तेरे को तो मैं भी राखी बांध देता हूँ बेटा, ठीक है अगर तू पैसे देगा तो, अगर तू पैसे देगा तो मैं पार्ट टाइम सिस्टर बनने के लिए रेडी हूँ अगर आप पैसे दोगे तो, ठीक है। चलिए अदर फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग, सीरियसली मत लेना, नहीं तो ऑर्डर आने चालू हो जाएंगे मेरे को। चेंज की अगर मैं बात करूँ तो चेंज दो पार्ट का होता है, एक होता है यार इंक्रीज इन सप्लाई एंड सेकेंड वन इज वॉट, डिक्रीज इन सप्लाई। पहले तो ये फिक्स करो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से या अदर फैक्टर की वजह से? प्राइस या अदर फैक्टर? सर ऑब्वियस ही बात है अदर फैक्टर, सर ऑब्वियस ही बात है अदर फैक्टर, ये प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है। अच्छा क्या हुआ समझ लो, समझना मेरा मेडिकल का शॉप है, किसका शॉप है भाई साहब, मेडिकल का शॉप है, करेक्ट है। और आप क्या लेके, आप क्या खरीदने आए हो मेरे से, बचाव करने के तरीके, मतलब कोरोना से बचाव करने के जो तरीके हैं वो प्रोडक्ट आप मेरे से खरीदने आए हो, मतलब मास्क खरीदने आए हो, आप कहने का मतलब ये है मास्क आप खरीदने मेरे पास आए हो जो आपका बचाव करेगा कोरोना से, करेक्ट है, क्योंकि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी। हंसना नहीं है, जो लोग हंस रहे हैं कल्प्रिट लोग हैं बहुत ज्यादा, ठीक है उनकी सोच को मतलब मैं क्या ही बोलूं। ओके अब मुझे बताइए यार इस बार क्या ना कोविड की वजह से ना इतने मास्क की डिमांड है, बाबा 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 लोग दो दो मास्क पहन रहे हैं बताए अपने आशीष सर दो मास्क पहन के जाते हैं, अंदर एक ऊपर से दूसरा एक, बोला रे बाप सारा कोविड आपको ही होना है। अब मुझे बताइए इंक्रीज होगी, डिमांड बढ़ गई यार, प्राइस समझो उतना ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, फिर भी डिमांड सप्लाई आपकी इंक्रीज, फिर भी सप्लाई बढ़ रही है क्यों? अरे लोगों को वो जरूरत है तो सप्लाई बढ़ी जा रही है, ये क्या हो गया आपका इंक्रीज। प्राइस कॉन्स्टेंट है बट क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्राइस उतना ही है बट क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। चलिए ऑन द अदर हैंड सोचो रातों रात क्या हुआ मालूम, मैं ध्यान में बैठता हूँ, बता आपको मैं ध्यान में बैठता हूँ, मेरे में थोड़े बाबा वाले गुण हैं, तो मैं रात को ध्यान में बैठा था, है ना, मैं ध्यान में बैठा था और मुझे एक सिद्धि मिल गई, सिद्धि मतलब चमत्कारिक चीज़ जो होती है ना उसको सिद्धि बोलते हैं, ठीक है। और मैंने ऐसा हाथ घुमाया, कोरोना गायब, इंडिया से कोरोना गायब भाई साहब, समझ में आ रहा है, जिस जिसको कोरोना था एकदम रेडी हो गए हैं, एकदम टकाटक हो गए हैं, है ना। बीच में तो भाई जब कोविड आया था बताया ना, तो मोदी जी ने एक दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया था संडे का सिर्फ, है ना, तो क्या अफवाह चल रही थी कि मोदी जी क्या करेंगे ना, हेलीकॉप्टर से ना दवाई बरसाएंगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। भाई साहब अलग लेवल का स्वैग था अपने आप, अलग लेवल का स्वैग था करके। सो अब देखो यार कोरोना एकदम गायब हो गया समझो, करेक्ट है, एकदम कोरोना क्या हो गया, गायब हो गया, उस केस में सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सैनिटाइजर मास्क एंड ऑल की सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि पैसा ही नहीं है ना। अब मुझे बताइए अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस तो उतना ही है लेकिन लोग खरीद नहीं रहे। आज तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं सैनिटाइजर यूज करते हैं, अपना हुआ तो थोड़ा सा यूज करते हैं, दूसरों का हुआ तो 5-6 बार
मतलब इधर भी हाथों पे भी लगा लेते हैं, कुछ लोग तो ऐसे मुंह पे भी लगा लेते हैं, अरे भाई बस ना, दूसरों का देख के क्या है। सो प्राइस उतना ही है बट सप्लाई डिक्रीज होगी क्योंकि आज मार्केट में उसका डिमांड नहीं है, तो उस केस में प्राइस सेम है बट क्वांटिटी सप्लाई व्हाट डिक्रीजेस, प्राइस सेम है। या फिर लेट से क्या हो ना, कश्मीर है ना, कश्मीर गए हो आप कभी? गए हो? गए हो? अच्छा, अब देखो कश्मीर में ना एप्पल का प्रोडक्शन होता है, पता है आपको, एप्पल का प्रोडक्शन होता है। इस बार क्या हुआ ना, मानसून कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, मानसून कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी इस बार, इसीलिए एप्पल का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। मुझे बताओ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या सप्लाई होगी? ऑब्वियसली बात ही नहीं होगी। ये क्या है, ये कौन सा सिचुएशन है, इंक्रीज है या डिक्रीज है? ये डिक्रीज है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है, प्राइस तो सेम ही है, प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं है, अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा, सेकंड सिचुएशन, कश्मीर में इस बार इतना बढ़िया मौसम है, इतना बढ़िया मौसम है, हर घर में एप्पल हो रहे हैं भैया, हर घर में एप्पल हो रहे हैं, एप्पल ही एप्पल, जहां देखो एप्पल, इधर एप्पल उधर एप्पल इधर एप्पल, ये क्या हो गया, इंक्रीज हो। ओके सर, चलो इसको डायग्राम निकाल दे, एकदम कंफर्टेबल रहिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं ना एक्सपांशन का डायग्राम निकाल रहा हूँ। मिशा बेटा, इधर भी तू मास्क पहन के बैठी है? हाँ, घर के घर में मास्क पहन के बैठी है? अच्छा, मास्क दिखा रही है सर, मेरे पास ब्रांडेड मास्क है, बताओ बताओ। मैं भी है ना, मैं भी घर पे चश्मा पहन के बैठूंगा। मास्क एक्चुअली, हाँ मास्क, मैं भी मास्क पहन के बैठूंगा, मेरे पास भी है, अच्छा वाला है, तेरे से अच्छा वाला है मेरे पास। ओके बड़ी, सुनिए अच्छे से, एक्चुअली दूसरे का पहन लिया, रे स्मेल आ रही है, ओ छी। चलिए डायग्राम निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, क्वांटिटी सप्लाई आएगा, करेक्ट। एक्स पे क्या आएगा, क्वांटिटी सप्लाई आएगा। और ये कौन से एप्पल है जो घर पे होते हैं? हर्ष, घर पे पेड़ नहीं हो सकते। और यहां पे क्या आपका प्राइस है, ठीक है, चलिए यहां प्राइस था और यहां पे आपकी सप्लाई थी। अब क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ और सप्लाई भी क्या हो गई भाई साहब, इंक्रीज हो गई। प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, और स्लोप तो आपको पता है ना, अपवर्ड आता है। स्लोप तो आपको पता है ना कैसे आता है, अपवर्ड आता है। मैं अब देखो दोनों पॉइंट को जोड़ने जा रहा हूँ, लाइन मारने जा रहा हूँ, लाइन मारने जा रहा हूँ, लाइन मारने जा रहा हूँ। ये देखिए सप्लाई आ गया, पहले हम लोग यहाँ पे थे, इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट पे चले गए। ये मुझे बताओ मूवमेंट है या शिफ्ट है? डिमांड में पढ़ा था हमने, डिमांड में पढ़ा था हमने, मूवमेंट है या शिफ्ट है? कमन एवरीबॉडी, शिफ्ट है। ये किसने बोला शिफ्ट, इसको जिंदा पकड़ना है, जिसने शिफ्ट बोला उसको जिंदा पकड़ना है। अरे बाबू, शिफ्ट मतलब जब नया डिमांड, नया सप्लाई करवाता है, नया सप्लाई करवाता है उसको बोलते हैं शिफ्ट। ये तो सेम सप्लाई कर्व है ना, सप्लाई कर्व सेम है, हम ये पॉइंट से यहां पे आ गए, ये मूवमेंट है। और कौन सी साइड में मूवमेंट है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड मूवमेंट है। आई मीन टू से, आई मीन टू से अपवर्ड मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है यार? अपवर्ड मूवमेंट है, गॉट इट? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए सेकेंड वाला निकालते हैं। सेकेंड वन क्या है मुन्ना, सेकेंड वन इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। जानी जनील ठाकुर बोला रिपीट, बेटा एक बार डायग्राम निकाल दो, आ जा तेरे लिए फिगर निकालता हूँ मैं। देखो एकदम कीप इट वेरी सिंपल है ना, बहुत रॉकेट साइंस नहीं मालूम तुम क्या करो। अभी अगर अपन दिमाग को बहुत जोर डालेंगे, ओ भाई साहब कुछ तो, एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल। आओ एकदम साथ में करते हैं। पहले मुझे बताइए एक्सपांशन में होता क्या है, कीप इट वेरी सिंपल, कोई चिल मारो एकदम, क्लास में कोई गौर से देखिए शक्ल को, क्या ये शक्ल डरावनी दिखती है आपको? नहीं ना, डराओ सुर भी डरावनी दिखती है बेटा, सुरभि ने ऐसे किया, हाँ, झूठी झूठ मत बोल, पकड़ी गई है तू। हाँ चलिए, ओके। वेरिएशन पहले बताओ है क्या। सी वेरिएशन के केस में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक्सपांशन, है ना। एक्सपांशन का मतलब क्या हो गया, एक्सपांशन का मतलब हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाई, हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाई, दिस इज व्हाट एक्सपांशन है ना, दिस इज व्हाट एक्सपांशन। ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। अब डायग्राम निकालना एकदम आसान है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई आता है
और वाई पे प्राइस आता है। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस था ये लो, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई ले ली मैंने, ये क्वांटिटी सप्लाई हो गया, इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे। अब क्या हुआ एक्सपांशन, आदित्य थोड़ा सा ईयरफोन यूज करना बेटा, ईयरबड्स यूज कर या ईयरफोन यूज कर, आवाज़ तो फुल ही किया मैंने। ओके अब क्या हुआ, सुनना आराम से। अब हुआ यूं, प्राइस इंक्रीज हो गई, देखो यहाँ पे आ गई प्राइस, और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपका सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वेरिएशन में क्या होता है दोस्तों, सप्लाई बढ़ जाता है ना, वेरिएशन में सप्लाई बढ़ जाता है, यहां पे आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये सप्लाई कर आ जाएगा। हम पहले ये पॉइंट से ये पॉइंट पे हम लोग चले गए, इसको हम शिफ्ट कहेंगे या मूवमेंट कहेंगे। देखो शिफ्ट मतलब आप लोग बैठे हो, जैसे ये हिमांशी यहां पे लेक्चर देख रही है, लेक्चर देखे देखे पड़ोसी के घर पे चली गई, वो शिफ्ट है। अगर ये यहां से उठ के बेडरूम में गई है, मूवमेंट, अपने घर में है ना भैया, तो ये सप्लाई कर, हम एक ही घर में है, अपने ही सप्लाई कर में है, तो इसको हम बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, आपका अपवर्ड मूवमेंट, स्लोप अपवर्ड ही होगा ना सप्लाई कर का, निशिका बेटा स्लोप अपवर्ड ही होगा ना, डिमांड का डाउनवर्ड होता है, सप्लाई का अपवर्ड होता है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि रिलेशनशिप कौन सा है, पॉजिटिव है ना, और जिनका रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है ना उनका, उनकी शादी होती है, मतलब कहने का मतलब ये, जिनका रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है उनका अपवर्ड मूवमेंट आता है, हाँ है ना। ओके चलिए अभी मेरे साथ निकालेंगे डायग्राम। अनंत भाई क्या हो गया, ऑल गुड ना, ये ऐसा देख रहा था मुझे लग रहा इसका नया नया ब्रेकअप हुआ है एकदम, नहीं ना भाई, पक्का फ्रेंड जोन हुआ है, हाँ, दोस्त बना दिया क्या, आपका रिलेशन था क्या, आपका भी रिलेशन, मतलब मेरे को कितना अंडरस्टिमेट कर रही है, देखिए तनिष्क आपका भी, मतलब इसका कहने का मतलब है तेरा रिलेशन था, तेरा शक्ल देखी है तूने अपनी, इसका कहने का मतलब ये आपका भी रिलेशन था, आप मुझे तेरा तो बोल नहीं सकती ना, आपकी वाइफ सीएस है क्या, नहीं नहीं यही कोई सीए है, सीएस थोड़ी है, सीए है, सीएस नहीं है। चलिए सेकेंड वन देखते हैं आराम से कॉन्सेंट्रेट करना, मैंने क्या है ना फुल प्रॉपर्टी देखी है उसकी, बहुत पैसा है, फिर मतलब वाला शक्ल देख तो क्या है, फिर तो आगे के देखने की बात ही नहीं है। जस्ट किडिंग, मस्ती कर रहा हूँ, सुन लिया ना तो भैया तकलीफ हो जाएगी मेरे को। हाँ जी अब देखिए यार, सही रिकॉर्डेड है क्या, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग चल रही है, डोंट वरी। सेकेंड वन देखना डायग्राम निकाल रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन, दोनों मिलकर पैसे कमाओ आप, बिल्कुल बिल्कुल, यस थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। चलिए कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस, दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्शन, करेक्ट है। ओके बडीज, ये आपका एक्स और ये आपका प्राइस है, ये आपका एक्स है और ये आपका क्या है, प्राइस है। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिल रहा है, मिल जाएंगे बेटा, यूट्यूब पे डलवा दूंगा, आज डलवा दूंगा, डोंट वरी, आज डलवा दूंगा। ठीक है, सी यहां पे आपका प्राइस था और यहां पे आपका क्वांटिटी सप्लाई था, इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे। अब हुआ यूं कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, प्राइस भी कम हो रही है, कम ऑन एवरीबॉडी सुनना, प्राइस भी कम हो रही है, मैं रेड कलर से बता रहा हूं, प्राइस भी कम हुई और प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई भी क्या हो गई यार, कम हो गई। अब बताओ अगर मैं ये सप्लाई कर निकालूं तो हम कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, ब्लैक पॉइंट से रेड पॉइंट पे पहुंच गए, तो यहां पे शिफ्ट हुआ या मूवमेंट हुआ, अगेन बताइए शिफ्ट हुआ या मूवमेंट हुआ, शिफ्ट या मूवमेंट, मूवमेंट, देखो शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट का मतलब नया सप्लाई कर, एक चीज समझो, शिफ्ट का मतलब नया सप्लाई कर, करेक्ट है। सो यहां पे मूवमेंट हुआ, वो भी कौन सा, डाउनवर्ड, नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड मूवमेंट, आई एम सॉरी क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड, ये पेंसिल खराब हो गई मेरी, देखो डाउनवर्ड मूवमेंट, कल का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा बेटा, करवा दूंगा निश्चिंत रहिए। सर आज रात हमारी क्लास नहीं है, है ना बेटा, है सर, कॉर्नफ्लेक्स खाओगे, बताओ क्या क्या पूछते हो रहे तुम लोग, सर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, झटक क्यों रहे हो, अरे वाह हिमांशी पता चल गया तेरे को इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अप्सरा की पेंसिल है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है। चलो सर आपकी लव मैरिज हुई है क्या, तनु बेटा प्यार एक धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है,
है ना। तो प्यार वीर अपने बस की बात नहीं है बेटा, है ना, मेरे बस की बात नहीं है, मतलब आप कर सकते हो, अभी नहीं, लेकिन अभी नहीं, सीएस के बाद, अभी सिर्फ पढ़ाई करो। चलो अब आते हैं हम लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज। लेफ्टवर्ड मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है? लेफ्टवर्ड मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है बोल रहा है? डाउनवर्ड अपवर्ड भी डाल दो, ऊपर जा रहा है तो राइटवर्ड, नीचे जा रहा है तो लेफ्टवर्ड, है ना। चलिए सो इंक्रीज एंड डिक्रीज हम लोग देख रहे हैं। पहले ये बताओ ये इंक्रीज एंड डिक्रीज जो है वो किसके पार्ट है? चेंज के पार्ट है, चेंज के पार्ट है, एक तो इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, इंक्रीज के केस में क्या होगा? प्राइस तो कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ जाएगी यार, प्राइस तो कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ जाएगी। मुझे बोल रहे थे आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपीस पर मंथ है, बस बस 1.5 लाख इतना ही सैलरी मेरी, पगला गए हो क्या? पूरा 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 बहुत बहुत पैसा है मेरे पास, दिखाऊं क्या? दिखाऊं क्या तुमको? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, भरे हुए देखो, पैसे मान ही रहे मेरे वॉलेट में, देखे हो सागर का वॉलेट है, फीस आई हुई है भाई साहब, है ना। सागर तेरे वॉलेट से पैसे चोरी हो गए भैया कुछ। चलिए नेक्स्ट उन्हें डिक्रीज की बात करेंगे तो दोस्तों देखो आ गया, देखो तुरंत भाग क्या हो, मेरे पैसे कहाँ चोरी हो गए सर? ओके प्राइस सेम है, सप्लाई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट है, सप्लाई क्या हो रहा है यारो? डिक्रीज हो रहा है। चलिए अब यार इसको डायग्राम से देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। नहीं सर मैक्स 2 लाख पर मंथ, दाल रोटी हो जाती है यार, देखो मैं बता रहा हूँ, दाल रोटी कमा लेते हैं बस, बाकी तो क्या ही है जीवन में, क्या ही रखा है, सुकून की दाल रोटी मिल जाती है दो टाइम की, एक है एक्स और दूसरा है बेटा वाई। एक्स पे ज़्यादा फोकस मत करो, टेंशन आता होगा आपको नाम सुन के, ठीक है। एक्स पे का आवे बाबू, अरे एक्स पे का आवे बाबू, बोलो ना का आवे, क्वांटिटी सप्लाई आवे है। और वाई पे क्या आता है बेटा? प्राइस आता है। सर सच में चालू करो, क्या चालू करो? 2 लाख रुपए, सुनो सुनो सी, यहां प्राइस था, ये सप्लाई था, ये पॉइंट पे, ये लो मैंने सप्लाई करो निकाल दिया, प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सप्लाई सारा बढ़ गई, एकदम से सप्लाई बढ़ गई, प्राइस सेम है लेकिन सप्लाई आपका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब मुझे बताओ, मैंने ये नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आ रहा है, अब कोई मुझे बताएगा सेम सेम डिमांड सेम सप्लाई कर है या न्यू सप्लाई कर निकालना पड़ रहा है? सेम या न्यू? न्यू निकालना पड़ रहा है। तो इसको हम शिफ्ट कहेंगे या मोमेंट कहेंगे? इसको हम शिफ्ट कहेंगे या मोमेंट कहेंगे? सर ये तो मोमेंट है सर, ये तो मूवमेंट है सर। ना 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 बाबू, ये शिफ्ट है। मूवमेंट मतलब क्या? सेम सप्लाई कर में ऊपर नीचे हो रहे हो, दिस इज मूवमेंट। यहाँ न्यू, टोटली ब्रांड न्यू सप्लाई करवा रहा है, इसलिए इसको हम शिफ्ट कहेंगे। तो यहाँ पे ये लो मैं नया सप्लाई कर निकाल देता हूँ, दिस इज कम समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? शिफ्ट। वो भी कौन से साइड में? राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो इसको मैं बोल देता हूँ राइट वर्ड शिफ्ट। क्या बोल देता हूँ? राइट वर्ड शिफ्ट। गॉट इट? Yes or no? और अगर इतना भारी पढ़ा रहे हो, सिलो छोड़ के इकोनॉमिक्स क्या बोल रहे थे? सिलो छोड़ के इकोनॉमिक्स करने का मन कर रहा है? अरे 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 नहीं रे बाबा, नहीं ऐसा नहीं करते बेटा। चले सर आपने पहले का लेक्चर अपलोड नहीं, आज हो जाएगा बेटा, आज हो जाएगा। सागर बाबू आज अपने लेक्चर प्लीज अपलोड करवा देना, कल का मेरा इकोनॉमिक्स का और आज का। सागर जी कल का भी और आज का दोनों नहीं हुआ है, तुरंत तुरंत हो जाएगा लेक्चर के बाद में, डोंट वरी। नेक्स्ट एक और निकाल लेते हैं, डिक्रीज वाला, डिक्रीज वाला निकाल लेते हैं जल्दी से, देखिएगा फास्ट, मेरे को बहुत जोर से कंसेप्ट आई है तो सुन लेना, कंसेप्ट जोर से आई है। ये एक्स है, ये वाई है। सर सागर भैया, केशव भैया आपके घर में ही रहते हैं क्या? किशोर भैया, हाँ वो घर पे रहते हैं मेरे, केशव नहीं वो किशोर है बेटा। सर सीएस की सैलरी कितनी होती है? सीएस की सैलरी यार अपने ऊपर डिपेंड है, 50,000 से लेके 5 लाख तक की भी होती है महीने का, है ना। आज नोट्स भेजने वाले भेजता हूँ, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलो चलो यहाँ ध्यान दो, पंचायती मत करो अभी, प्राइस था यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट करना, और यहाँ पे आपकी सप्लाई थी, ये देखो ये सप्लाई कर रहा है, प्राइस तो वहां का वही है बट सप्लाई एकदम से क्या हुआ? यहाँ पे आ गया, कम हो गया सप्लाई बेटा। ये देखिए प्राइस वहीं पे है, सप्लाई कम हो गया। अब मुझे बताओ, मुझे नया सप्लाई कर निकालना पड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। कौन से साइड में? कौन से साइड में? कौन से साइड में बताओ, कौन से साइड में? लेफ्ट साइड में। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट।
ठीक है, लेफ्ट पर शिफ्ट। सर डायग्राम याद करना है, डायग्राम याद नहीं करना है यार, कंसेप्ट दिमाग में बिठानी है, तो डायग्राम आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। तो दिस इज व्हाट बेटा आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कहेंगे। आर वी क्लियर, एकदम कंफर्टेबली? मोदी सर का भी अपलोड करवा देता हूँ। यस गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही बात है सर, डर लगता है इको से, आज तो समझ नहीं आई थी बट अब मजा आने लग गया, मजा आने लगा ना इको में, बहुत बढ़िया बेटा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल नहीं आते, हमें भूल गए हो। लव यू टू भाई, नोट्स बता दूं कहां से डाउनलोड करना, डोंट वरी बता देंगे, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा अभी मैं बता रहा हूं, एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, कोई बताएगा लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, और दूसरा हमने लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड बताता है हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस हायर द क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है, हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाई। देखो यार आपको पता है, अगर अपने ग्रुप होते हैं ना, सर मेरा कमेंट नहीं जाता, जा रहा है बेटा कमेंट, अपना ग्रुप होता है ना, तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो लीडर होता है, और दूसरा व्यक्ति उसको फॉलो करता है, दूसरा व्यक्ति उसको क्या करता है, फॉलो करता है, होता है कि नहीं होता है ना हर ग्रुप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभयंकर करके अपने यहाँ पे बंदा है, भयंकर नहीं अभयंकर है ना, अभयंकर कुमार, तो ये लीडर है कॉलेज का, इसने बोल दिया आज हम लोग ब्रेकफास्ट में पोहा खाएंगे, तो सब इसके दोस्त पोहा खाने चले जाते हैं। मतलब ये बंदा इंडिपेंडेंट है, ये अपना डिसीजन खुद लेता है, और बाकी लोग इसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। सो दो फैक्टर होते हैं, एक इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट। यहां पे मुझे बताइए हम किसका इफेक्ट किस पे देख रहे हैं, किस के आई डबल एस नहीं बेटा, किस का इफेक्ट, किस का इफेक्ट किस पे देख रहे हैं। हाँ हम प्राइस का इफेक्ट क्वांटिटी डिमांड पे देख रहे हैं, कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा। तो यहां पे प्राइस का इंपैक्ट हम किस पे देख रहे थे, डिमांड पे देख रहे थे, ठीक है। सेम सप्लाई में हम देख रहे थे कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, मतलब प्राइस का इफेक्ट हम सप्लाई पे देख रहे थे। अच्छा प्राइस का इफेक्ट सप्लाई पे देख रहे थे। भक्ति बेटा, भक्ति की शक्ति कहां गई, भक्ति वाले समझे नहीं, भक्ति बेटा समझना, सी भक्ति है ना, आप बेटा ना कॉलेज में लीडर हो, ठीक है, आप जहां जाते हो ना आपके पीछे 20-25 लोग आई जाते हैं, सब लोग आपके गैंग में 20-25 लोग आई जाते हैं, तो आप जो बोलते हो वही क्लास, वही क्या हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है। तो मतलब आप इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, आप खुद का डिसीजन ले रहे हो, बाकी लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, करेक्ट है। जैसे हम लोग जब भारी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं ना, एकदम फाइव स्टार रेस्टोरेंट में, तब हम सिर्फ शक्ल देखते रहते हैं क्योंकि मेन्यू तो समझ नहीं आता है, एकदम भारी भारी अंग्रेजी में लिखा होता है, और उसका प्राइस भी देख के, गरीब आदमी ना, मैं तो गरीब आदमी, वो देख के टेंशन आ जाता है, ये क्या होता है, है ना, ये सर ने हुआ क्या। फिर मैं आशीष सर की तरफ देखता हूँ, सर आज मैंने आपको मौका दिया है, प्लीज ऑर्डर, बिल के टाइम पे भी यही बोलता हूँ, सर आज मैं आपको मौका दे रहा हूँ, प्लीज पे द बिल, है ना। ओके तो अब मुझे बताइए यार, यहाँ पे आशीष सर के ऊपर मैं डिपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, आशीष सर जो बोल रहे हैं ना उनके ऊपर मैं डिपेंड कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या बोला, प्राइस इंक्रीज होगी ना तो डिमांड कम होगी, तो प्राइस इज वॉट, प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसका इफेक्ट हम किस पे देख रहे हैं, डिमांड पे देख रहे हैं। यू नो व्हाट, प्राइस का इंपैक्ट हम किस पे देख रहे हैं, डिमांड की, प्राइस में ये होगा ना तो डिमांड में ये हो जाएगा, प्राइस में ये होगा तो डिमांड में ये हो जाएगा, प्राइस में ये होगा तो सप्लाई में ये हो जाएगा, मतलब प्राइस का इफेक्ट हम किस में देख रहे हैं, डिमांड पर या सप्लाई पर देख रहे हैं। भक्ति गॉट इट बेटा, भक्ति समझी तो समझी, ऐसा ऐसा करने का समझी तो, लिखने की जरूरत नहीं ऐसा करने का, दूर से ही, हाँ ऐसा ऐसा मुंडी लाने का बेटा, बहुत बढ़िया, समझ गई, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओम बेटा अदर फैक्टर की बात नहीं हो रही, मैं यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की बात कर रहा हूँ,
लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की बात करो। हर्षल आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, यस आई नो दैट हर्षल, बट ठीक है हो जाएगा, टेंशन ना लो। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करेंगे एकदम कंफर्टेबल हो जाइए। लेकिन अब हम एक्चुअल मार्केट की बात करते हैं। अब आप ना ही लॉ ऑफ डिमांड के बारे में सोचोगे, ना ही लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में सोचोगे। अब हम उल्टा करने वाले, कॉन्सेंट्रेट करना। किसी व्यक्ति की अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो मुझे बताइए उसका इफेक्ट प्राइस पे क्या होगा। अब मैं प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे नहीं देख रहा हूँ, हम मैं प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे नहीं देख रहा हूं, अब मैं डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे देख रहा हूं। रिकॉर्डेड चालू किया बेटा, चालू किया, डोंट वरी। निशिका सीएस बन गई, सीएस बन गई निशिका, निशिका बन गई सीएस। और क्या काम कर रही है बंदी यार सीएस बनने के बाद, मतलब सुपर सर्विसेस, मतलब इतना प्यारा काम कर रही है। इनकॉर्पोरेशन बेस्ट इनकॉर्पोरेशन एवर, बेस्ट इनकॉर्पोरेशन एवर। मुझे बताइए इसका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, मतलब ये अब लोगों से ज्यादा फीस चार्ज करेगी या कम चार्ज करेगी। ऑब्वियसली बात है यार, फीस ज्यादा चार्ज करेगी क्योंकि इसका डिमांड ज्यादा है मार्केट में। भैया मार्केट में डिमांड ज्यादा तो पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। एक चीज समझ लीजिए, मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा है ना उसका पैसे भी ज्यादा देना पड़ेगा। अभी क्या हुआ ना, कल रात को मेरे दिमाग में ख्याल आया कि एक काम करता हूं, मूवी बनाता हूं। क्या बनाता हूं? एक मूवी बनाता हूं। नहीं नहीं जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं एक मूवी बना रहा हूं। ठीक है, हीरो तो अपने पास मोदी से रही यार, हीरो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने मोदी से रही, करेक्ट है। एकता हंस रही है, मूवी मूवी बोले, मूवी बोले, लंबी लंबी फेंक रहे हो, और आप हीरोइन, मैं हीरोइन तेरी तो। हाँ, अब मेरे पास दो ऑप्शन है यार, एक तो मेरे पास है दिशा पटनी और एक मेरे पास है राखी सावंत। मेरे को बताओ कौन पैसा ज्यादा लेगी। ऑब्वियसली बात है, दिशा को मैंने फोन किया, दिशु बेबी, सॉरी मैंने बोला मेरे बेबी के बेबी, मतलब मेरे बेबी मतलब मोदी सर, उनके बेबी मतलब कौन, दिशा पटनी। मैंने बोला दिशा सुनना कितना लेगी, मतलब कितने फीस चार्ज करेगी तू मूवी में आने की। बोले सर आप हो बोल गए, आप हो बोल गए सर 2 करोड़ रुपए। सर बेबी मत बोलो, भाभी है आपकी। अच्छा हाँ मेरी भाभी है, सॉरी। ठीक है, एक किसी ने मैसेज किया सर आपके लेक्चर की इतने जोर से याद आ रही थी कि 10 बजे तक का वेट नहीं हो रहा था, इधर आ गया, बताओ इधर आ गई, सॉरी इंदिरा। अच्छा एग्जीक्यूटिव की बंदी है, तुमको लिंक कहाँ से मिल जाती है भैया, तुमको लिंक कहाँ से मिल जाती है, समझ नहीं आता मेरे को। ये मेरी लिंक लीक हो रही है, राज कुंद्रा की लिंक लीक होनी चाहिए तो वो तो हुई नहीं, मेरी लिंक लीक हो रही है, गलत बात है ये। चलिए अब बताइए दिशा पटनी ने मेरे से कितना डिमांड किया, 2 करोड़ रुपए। फिर मैंने राखी सावंत को फोन लगाया, मैंने बोला राखी बेबी, बेबी नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बोला राखी जी दीदी, राखी दीदी आपको मुझे ना मोदी सर के साथ क्या करना, कास्ट करना, आप बताइए। बोले बस 20 लाख रुपए। यार डिफरेंस है ना, आज जिसकी डिमांड ज्यादा होगा ना ऑब्वियसली बात है उसका प्राइस ज्यादा होगा, करेक्ट है ना कि नहीं है। जिसका डिमांड ज्यादा होगा उसका प्राइस ज्यादा होगा। लेट से आकांक्षा ने क्या किया ना, आकांक्षा मैडम है ना, आकांक्षा ने अपने घर के बाहर है ना मस्त पानीपुरी बनाना स्टार्ट किया, और इसकी पानीपुरी इतनी टेस्टी, हाय माशाल्लाह, लोग है ना उंगलियां चूसने लग गए अपनी, यहाँ आकांक्षा के नहीं बुक्का मारेगी वो नस्ती करी तो। सो अब मुझे बताइए दोस्तों, अब मुझे बताइए इसकी पानीपुरी की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है, लोग दीवाने हो चुके हैं इस पानी के लिए, तो इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। ऑब्वियसली बात बढ़ेगा। सी अब मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे हो क्या रहा है पता है, यहाँ पे हो ऐसा रहा है कि जैसे ही आपके उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है ना तो उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, और ये तो लाइफ का रूल है यार। आज गोल्ड का प्राइस, सोने का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा है इसलिए प्राइस ज्यादा है। बीच में वैक्सीनेशन की बात करें, लोग ज्यादा पैसे दे रहे थे। अच्छा वो इंजेक्शन था ना रेडिमिसियर करके कुछ, तो आर से कुछ तो था जिसका नाम बोलते नहीं आ रहा था। सो अब मुझे बताइए वो इंजेक्शन का डिमांड ज्यादा था इसीलिए उसका मार्केट में प्राइस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। समझ में आ रहे थे, सुनो करेक्ट है कि नहीं है। सो जिस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा उस प्रोडक्ट का प्राइस भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें हम किसका इफेक्ट किस पे देख रहे हैं, किसका इफेक्ट किस पे देख रहे हैं, हम डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे देख रहे हैं। हाँ है ना, हम डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे देख रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड में हम कुछ उल्टा कर रहे थे, यहां हम कुछ उल्टा कर रहे हैं, यहां पे हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो दोनों कंसेप्ट को एकदम ऐसा मिक्स मत करना, ऐसा मिक्स मत करना। सर आपको पानीपुरी लगता है बहुत पसंद है, नहीं यार मुझे पानीपुरी खाना ही नहीं एक्चुअली। लेक्चर की प्रॉपर टाइम टेबल बेटा 7 to 8 हर्ष, इको 7 to 8 और लॉ 11 से 12, 10 से 11 सॉरी। नहीं मुझे तो पानीपुरी खानी नहीं एक्चुअली, मेरा ना गले का प्रॉब्लम है, थ्रोट का प्रॉब्लम चलता है, तो मुझे लगता है लास्ट मैंने 3 साल में पानीपुरी खाई नहीं है। मैं पानीपुरी के नाम पे सुक्की पूरी खाता हूँ, और पानीपुरी कैसे खाता हूँ पता है मैं,
बताता हूँ आपको, मैं पानी पूरी अगर मुझे बहुत खाने की इच्छा हो रही है ना, एकदम क्रेविंग हो रही है पानी पूरी खाने की, तो मैं क्या करता हूँ पता है, एक कैरी बैग लेता हूँ, उसमें वो गोलगप्पा डालता हूँ, फिर उसको कैरी बैग से पैक करता हूँ और ऐसा वो कैरी बैग मुंह में डाल देता हूँ कि ऐसा फील आया, अरे हाँ मैंने कुछ खाया है, ऐसा फील आया, फिर वापस से वो कैरी बैग निकाल देता हूँ, साइड में रख देता हूँ। पता है जीवन ऐसा चल रहा है, ये है क्या ही बताया करके। बाकी लेक्चर करवाता हूँ, स्टार्ट करवाता हूँ, करवाता हूँ करवाता हूँ करवाता हूँ शंतनु, करंट अफेयर चालू करवाता हूँ, रुक जाओ बेटा। ठीक है चलो चलो आगे। जिसका डिमांड कम है, बताओ यार जिस प्रोडक्ट का डिमांड कम है। अब देखो हुआ यूं समझना, तनु बेटा गुस्सा नहीं करते है ना, गुस्सा नहीं करना पहले बता दे रहा हूँ। तो तनु मैडम ने क्या किया मालूम, सिलेबस हो जाएगा ऑटो बता रहे, बिल्कुल रिविजन के साथ वो भी। ओके तनु मैडम ने क्या किया सुनना, जैसे तनु मैडम ने क्या किया ना, तनु सीएस बन गई, लेकिन सीएस बनने के बाद में स्कैम पे स्कैम करी जा रही है। क्या अब कोई तनु को कंपनी में लेना चाहेगा? इल्ले 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 कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो मुझे बताइए उसका फीस भी क्या होगा, वो सैलरी ज्यादा डिमांड करेगी, ज्यादा डिमांड करेगी क्या वो कम डिमांड करेगी, क्यों पता है ना यार, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, कोई पूछता ही है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे वो अमिताभ बच्चन वाली जींस आती थी पता है आपको, बेल बॉटम जींस बोलते थे उसको है ना, एकदम हवादार जींस आती थी, ऊपर से भी उतनी खुली नीचे से भी उतनी खुली होती थी, एकदम हवादार होती थी, कभी कभी ऊपर से पहनो कभी नीचे से पहनो, बात एक ही है। अब मुझे बताइए वो जींस का आज डिमांड नहीं है मार्केट में, इसीलिए उसका प्राइस क्या है यार, कम है। उसका प्राइस क्या है यार, कम है। बेल बॉटम मूवी भी आएगी, हो हर्ष बिल्कुल। सो बताइए इसका अगर डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करेक्ट है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जिस व्यक्ति की ओम समझना यार बेटा, ओम आप है ना, आप समोसे बनाते हो, लेकिन आप समोसे जब बनाते हो ना, इतना घटिया समोसा आपने बनाया है, लोगों के पेट खराब हो गए हैं, रनिंग बिटवीन द टॉयलेट स्टार्ट हो गए हैं लोगों को, रनिंग बिटवीन द टॉयलेट्स मतलब लूज मोशन, टॉयलेट पे भागना पड़ता है ना, रनिंग बिटवीन द टॉयलेट लूज मोशन, हाँ है ना। ओके समझ, समझाना पड़ता है, जोक भी समझाना पड़ता है, बताओ थोड़ा एक्सप्रेशन दिया करो मालूम। ओके अब बताइए यार, तूने ऐसे समोसे बनाए, कोई समोसा नहीं खा रहा तेरे से, और तू समोसे का प्राइस बढ़ा दिया, नहीं मेरा समोसा तो 100 रुपये में मिलेगा, कोई नहीं खाएगा भाई, कोई नहीं खाएगा दोस्तों। तो क्या ओम भाई तूने प्राइस भी कम करना पड़ेगा, बिल्कुल कम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे डिमांड डिक्रीजेस प्राइस ऑल्सो डिक्रीजेस। अब कोई मुझे बताएगा जिस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है उसका प्राइस पे इफेक्ट क्या होगा? प्राइस यस करेक्ट है, और जिस प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा उसका प्राइस भी क्या होगा, कम हो जाएगा, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। चलिए वेरी गुड बेटा, अब सप्लाई पे आते हैं हम लोग, अब हम सप्लाई पे आते हैं, डिमांड हो गया अब हम सप्लाई पे आ रहे हैं। सी कॉन्सेंट्रेट करना, से फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट का सप्लाई बहुत ज्यादा है, ये उल्टा कैसे हुआ, देखो तृप्ति उल्टा कैसे हुआ, मुझे पता ही था कोई तो पूछेगा ये उल्टा कैसे हुआ। बेटा लॉ ऑफ डिमांड में हम प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे देख रहे थे, इसकी वजह से वो कम हो रही थी, या हम प्राइस का इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, हम डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे देख रहे हैं। वहां हम बोल रहे थे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, या हम बोल रहे हैं डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, दो अलग चीजें हैं, दो अलग चीजें हैं। यहां पे हम प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे और यहाँ पे हम डिमांड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यहाँ पे हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे थे और यहाँ पे हम लोग मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तृप्ति बजाज समझा क्या सर? कोई गुड्स का एग्जाम्पल लो ना, कोई भी गुड्स का एग्जाम्पल ले लो यार। चलो एक बार बता देता हूँ आपको गुड्स का एग्जाम्पल की बात, आज गोल्ड देखो, गोल्ड की प्राइस देखो, गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिमांड ज्यादा है यार, इसलिए बढ़ रहा है। गोल्ड का प्राइस 50,000 को ऑलमोस्ट टच होने को आया, क्यों? डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है ना, जिसका डिमांड, आप सोचो आपके सामने है ना, आपके आजू बाजू में कोई रेस्टोरेंट आया है, आपके आजू बाजू में कोई रेस्टोरेंट आया, बहुत चल रहा है वो रेस्टोरेंट, कब चलेगा वो रेस्टोरेंट? जब उसकी डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी बढ़ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। सी अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना, तो दो इंडिपेंडेंट व्यक्ति, दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं यार, है ना। यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है और उसका इफेक्ट हम लोग किस पे देख रहे हैं? प्राइस पे देख रहे हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट कर लो ना, प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट कर लो ना, अभी कोविड की सिचुएशन कोरिलेट कर लो, क्या मास्क का प्राइस बढ़ा था क्या बीच में, स्टार्टिंग में बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? बढ़ गया था, क्यों बढ़ गया था? लोगों ने एकदम से क्या बढ़ा दी, डिमांड बढ़ा दी, तो क्या बढ़ गया? प्राइस बढ़ गया।
क्या सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ा था क्या? यस और नो? डिमांड बढ़ गया, लोगों ने प्राइस भी बढ़ा दी। आज मजा आ गया, आपने मेरे सारे कमेंट देखे। अच्छा सर, मैं रजिस्ट्रेशन करने में फेल हो गई, फेल झालंय, मला कुठलं आयडी मेल आलंय नाही, मग मी तो आयडी नोट केला। बेटा मेरे को मैसेज करना रे कुंती, बेटा मेरे को करना मैसेज, टेक्स्ट मैसेज करना, ठीक है? चलिए, सो डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे, तो बताइए इतिहास गवाह है, जब जब डिमांड बढ़ी है प्राइस बढ़ा है, और जब जब डिमांड कम हुई है प्राइस भी कम हुआ है। अब हम आते हैं सप्लाई की वजह से, सप्लाई के ऊपर बात करते हैं। सोचिए कोई प्रोडक्ट का, लास्ट पॉइंट, बस 5-7 मिनट और छोड़ रहे हैं आपको। कोई प्रोडक्ट का अगर सप्लाई बढ़ गया, सोचो सप्लाई बढ़ गया तो क्या होगा, उसके प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा? सप्लाई बहुत बढ़ गया हर जगह, जैसे आप है ना मार्केट में ना ऑनियन लेने निकले हो, है ना, ऑनियन प्याज खरीदना आपको मार्केट में, हर जगह प्याज वाले ही प्याज वाले हैं, हर जगह प्याज वाले हैं, 100 प्याज वालों की दुकान ओपन हो गई, तो प्राइस क्या होगा? आप खुद सोचो, प्राइस बढ़ेगा? हर्षली बढ़ेगा, जरा सोचना बेटा, प्राइस बढ़ेगा? प्राइस कम हो जाएगा यार। अरे जो इतने आपको है ना, सुनना एकदम आराम से, समझना समझना, मैं खुद श्री 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 माननीय वंदनीय पूजनीय श्रीमान परम पूज्य शुभम अब्बड़, मतलब मैं, यानी कि मैं, यानी कि मैं, हाँ, तो मैंने क्या क्या, सुनना, जैसे मैंने ना शॉप ओपन किया, किसका बताया, मैं इडली सांभर बेचता हूँ, क्या बेच रहा हूँ, इडली चटनी खिला रहा हूँ मैं आपको, और मेरे जैसे 15-20 लोग और आ गए जो इडली चटनी बेच रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या करूंगा, प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी? अरे कम हो जाएगी ना यार, क्योंकि अब मैंने बढ़ा दी प्राइस तो लोग मेरे से खरीदेंगे ही नहीं। अरे तेरे जैसे बहुत आते हैं, तेरे जैसे बहुत आते हैं, करेक्ट है? सो सप्लाई इंक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस। अच्छा आप देखते हो ना, ऑनियन का प्राइस एक बार तो भी है ना 100 टच कर जाता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस बढ़ जाती है। बीच में दाल का प्राइस है ना बहुत महंगी हो गई थी, मैंने तो घर पे बोल दिया था दाल पीना ही नहीं है मेरे को, खत्म, दाल पीना ही नहीं, इतनी महंगी हो गई, ऐसा लग रहा था किडनी बेच के दाल खरीदनी पड़ेगी अब तो। रिप्लाई दिया ना तुम्हें, दे तो रिप्लाई। सो इस केस में बताइए, कमन एवरीबॉडी, चलिए क्वांटिटी सप्लाई। एक मिनट, मोदी जी का फोन आया है। हाँ मोदी जी, हेलो, हाँ सर, हाँ ठीक है, कल परसों होगा ना डायरेक्टली, अभी अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ना, ठीक है मैं बोल देता हूँ, हैदराबाद जा रहे हैं क्या? मोदी सर का लेक्चर नहीं है आज, मोदी सर का लेक्चर नहीं है आज, एक्चुअली वो उनके अंकल का ऑपरेशन है तो वो जा रहे हैं वहाँ पे, तो मोदी सर का लेक्चर नहीं है। हाँ सो सुनना अच्छे से यार, कौन 420 श्री अब्बड़ जी, ए 420 कौन बोला रे, कौन बोला रे 420 साले ढोकले, तेरे को साला ऐसा उल्टा लटकाऊंगा और नीचे से गुदी गुदी करूंगा तेरे को मैं, 420 चलिए ओके, ऐसा सच नहीं बोलना। चलिए अब यार देखो, कोई प्रोडक्ट का सप्लाई कम हो गया है, सप्लाई कम हो गया है तो बताइए, सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा ना यार। इस बार सप्लाई नहीं है, जैसे इस बार क्या हो बता रहा हूँ मैं आपको, आशीष सर का आम लेने के लिए भाई साहब इतना मेरे को घुमाया रहेगा ना, इतना मेरे को घुमाया रहेगा ना, क्या बोलूँ बाबा बाबा बाबा, क्या बोलूँ मैं आपको, अरे भाई साहब इतना आम के लिए घुमाया होगा ना, आम थे ही नहीं इस बार, अवेलेबल नहीं थे, क्या हुआ ना महाराष्ट्र में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, तो आम इतने प्रॉपर अवेलेबल ही नहीं थे, तो सप्लाई कम हो गई, प्राइस ज्यादा। आपको पता है सर ने कितना लिया, 5,000 रुपीज, पूरा एक 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 बॉक्स का 5,000 रुपीज दिया, मतलब हद है यार, क्योंकि सप्लाई कम थी, सप्लाई कम तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आशीष सर पड़े पैसे वाले लोग हैं, मैंने क्या किया पता है, उस पेटी जो उन्होंने ली ना, उसमें से मैंने 7-8 आम निकाल लिए, जब डिक्की में डाल रहा था ना 7-8 आम निकाल ली, अपना काम हो गया, बात खत्म, है ना, महंगे हैं तो सर के लिए है, अपना क्या है ओके चलिए कॉन्सेंट्रेट, एकदम क्लियर है। सप्लाई, जब कोई प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ जाएगा यार तो प्राइस कम हो जाएगा, और कोई प्रोडक्ट का सप्लाई कम हो गया तो प्राइस क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा, ठीक है।
अभी बोल रहा सर ये चैप्टर थोड़ा कम समझ में आ रहा है। नहीं रे बेटा एक बार वापस देख ले, एक बार वापस देख ले, समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत ले तू, है ना, एक बार वापस से देख ले। देखो एक चीज समझो, ऐसी कोई चीज बनी नहीं है ना दुनिया में, ऐसी कोई चीज बनी नहीं है ना जो उसको हम समझ नहीं सकते। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, मेरी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, है ना, छोड़ रहा हूँ बस आपको। मैं 9th में ना, आपको पता है, मैं 9th तक मैं हिंदी मीडियम में था, ठीक है, और 10th में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ना मैं मराठी मीडियम में शिफ्ट हुआ। सी पहले मैं राजस्थान में था 9th तक, तो मैं हिंदी मीडियम में था, फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे कहाँ शिफ्ट होना पड़ा, महाराष्ट्र में शिफ्ट होना पड़ा, और मराठी मीडियम था भाई साहब, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हो नहीं रहा था, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हो नहीं रहा था। और मेरे को कितने परसेंट थे 9th मालूम, 44.06%। मैं मार्कशीट दिखाऊंगा आपको, 44.06%। अब मैं आपको किस्सा बताता हूँ, मतलब मेरी हालत समझिएगा। फैकल्टी सब मराठी में पढ़ा रही थी, फैकल्टी सब मराठी में पढ़ा रही थी। एक बार क्या हुआ बताया, मराठी में बोलते हैं नव बक्ता, नव बक्ता मतलब बिना देखे लिखना है। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, नव बक्ता मतलब बिना देखे आपको लिखना है। ए मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, मैं लेक्चर में हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। सो क्या बोला गया, नव बक्ता मतलब बिना देखे लिखना है, समझ रहे हो। मैंने क्या किया, मुझे मराठी आती नहीं थी, मैंने 9 बार लिख दिया उस चीज को, नव मतलब नाइन ना, नव मतलब नाइन ना, तो मुझे लगा 9 बार लिखने को बोला है, मैंने 9 बार लिख दिया। मतलब इतना मैं गवार था भाई साहब, इतना मैं गवार था, मतलब गवार मतलब सी। एंड देन उसके बाद में 11th में इंग्लिश मीडियम, चलो हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, लेकिन हिंदी से मराठी में शिफ्ट होना बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैं बता रहा हूँ कसम से, मुझे समझ नहीं आता था, वो जो बोलते थे ना, मैं हाँ मैं आ कर रहा था, कुछ पूछ लेते ना मेरे, मैं क्या बताऊँ मैं आपको। तो ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है जो हम कर नहीं सकते, डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। बस यही है डेडिकेशन आपका, आप कितना सिंसियर हो उस चीज़ को लेके, आप कितना सिंसियर हो। मैं तो क्या ही बोलूँ सर, मुझे मराठी बहुत अच्छी आती है, मुझे भी बहुत अच्छी आती है। सीएस की तैयारी, सीएस तो एक इसमें निकाल दिया भैया तुम्हारे भाई ने, बताओ एक इससे निकाल दिया तुम्हारे भाई ने, समझ में आ रहा है, तो हो जाता है। सो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत खुद करते हैं ना तो निकल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, है ना। और आप लोग भी मेहनत करोगे, हम करवाएंगे मेहनत, टेंशन ना लो, बहुत मेहनत करवाएंगे, अभी तो शुरू किया है सर। सीएस और बना दो बस, सीएस बना रहे, बन जाओगे सीएस यार, बन जाओगे, सवाल ही नहीं आता है। मैं बता रहा हूँ, मैं ना, मैं देखो सी, इसलिए भी सीएस बनना मेरा तो जरूरी था, मैं जो घर में रहता था ना, ये तो ये मेरा घर था, है ना, 1 BHK घर था मेरा, रेंटेड, रेंटेड है, रेंटेड, वो रेंटेड घर था, ये किचन है समझो, ये हमारा समझो हॉल था, थोड़ा किचन बड़ा कर देता हूँ चलो, ये हमारा समझो किचन है, ये ऐसा हमारा समझो हॉल था, और ये ऐसे एक रूम था, ठीक है। अब ये हॉल में है ना पूरा ना, यहाँ पे सामान रहता था, गोडाउन भी वही था, क्योंकि हमारा बेसिकली अगरबत्ती का एजेंसी था, तो अगरबत्ती का काम भी है ना, अगरबत्ती का काम तो सब माल यहीं पे होता था, इनफैक्ट किचन में भी गुड्स रखा रहता था, है ना, बेडरूम में, बेडरूम में तो पूरा ही गुड्स रहता था। तो हम लोग हॉल में ही सोते थे, 5 लोग हम हॉल में ही सोते थे। तो पापा हम लोगों के लिए क्या करते थे पता है, कि हमको ऐसा फील ना है कि बेड नहीं है, वो है ना कार्टून आते हैं ना बड़े बड़े अगरबत्ती के, बड़े बड़े कार्टून आते हैं, बड़े बड़े कार्टून आते हैं ना सब होलसेल वाले, तो एक कार्टून यहाँ लगा देते थे, एक कार्टून ये लगा देते थे, इधर एक कार्टून, इधर एक कार्टून, ऐसे 4 कार्टून लगा देते थे, और उसके ऊपर है ना वो बेड डाल देते, गद्दी डाल देते, मतलब है ना। अब होता क्या था उसमें, प्रॉब्लम क्या था मालूम, अब कभी कभार क्या होता था ना, ये कार्टून में अब माल तो बेचना होता था, तो उस कार्टून में से ना समझ लो 2 बॉक्स निकाल लिए, तो अब वो जगह उतनी खाली हो गई, तो समझो अभी कभी सोया है वो पीठ के नीचे आ गया, तो पीठ नीचे जा रही है, कभी हाथ नीचे जा रहा है साला, है ना, मतलब ऐसा होता था। सो सी, और मेरे एजुकेशन के लिए पेरेंट्स ने लोन लिया था, लोन लिया था, एंड आफ्टर बिकमिंग सीएस, सी इसमें मैं अपनी कोई बढ़ाई नहीं करूँगा, मैंने कोई बहुत भारी अचीव कर लिया ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्ट्रगल भी कुछ नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स है तो क्या स्ट्रगल है यार, पेरेंट्स है तो क्या स्ट्रगल है, कोई स्ट्रगल ही नहीं है, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। देन मैं सीएस बन गया, सीएस बनने के बाद पहले तो मैंने शिरूर में अपना मस्त अच्छा बंगलो बनाया, पुणे में अपना फ्लैट है, अभी एक मैंने शॉप खरीदी हुई है, कार है, मतलब भगवान की दया से सब कुछ है, बट पैसा सब कुछ नहीं है, मेन चीज़ पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, मतलब मैंने कुछ अगर लाइफ में कमाया रहेगा तो एक चीज कमाया मैंने, मैंने कभी पेरेंट्स के ना ऑर्डर को डिसओबे नहीं किया, कभी उनकी बात जो है ना, कभी उनकी बात को टाली नहीं है, मैं आज भी ऐसा है, मतलब मैं आज जितना भी पैसा मेरे को आता है ना, जो भी पैसा आता है पापा के पास चले जाता है, फिर मैं मांग के ले देता हूँ, पापा 5,000 रुपये लग रहे हैं, पापा 10,000 रुपये लग रहे हैं। सो वो मैंने जरूर कमाया है, कि मैंने कभी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, या उनकी बात कभी टाली नहीं है, कि पापा ने ये बोल दिया करना है, बात खत्म, करना ही है, पूछा नहीं क्यों करना है, कैसे करना है, हो जाएगा। चलिए एनीवे सर, भोजपुरी सॉन्ग सुनाओ, पगला गया क्या, पगला गया कैसा नहीं करते। चलिए सर, सीएस कितने साल में कंप्लीट हो गया, 3 साल लग गए थे मेरे को, 3 साल लग गए थे मेरे को। चलिए तो मिलते हैं, कल तो छुट्टी है,
सर हिंदी मीडियम से भी सीएस कर सकते हैं? नहीं ना ना, मैंने इंग्लिश में ही किया था सीएस, सीएस हिंदी से नहीं किया था, लेकिन मैं हिंदी मीडियम में था 9th तक, ये बता रहा हूँ मैं आपको। और हिंदी मीडियम से नहीं करना है, इंग्लिश से ही करना है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है बेटा। अच्छा नोट्स की लिंक बताते हैं। अरे सागर बाबू, सागर बाबू एक बार नोट्स की लिंक बताओ ना कहाँ पे अपना सीएसईटी नोट्स कहाँ है अपने पास? अरे यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स पे जाना है, बता रहा हूँ मैं आपको। कोर्सेज में जाना बेटा, देखो ये यहाँ पे कोर्सेज दिख रहा है आपको, इस कोर्सेज में जाना, सीएसईटी में जाना, ई लाइब्रेरी, ये डाउनलोड सीएसईटी स्टडी मटेरियल, देखो रेड कलर दिख रहा है क्या? एक मिनट रुक जाओ, मंडे को सेम अभी शाम में होगा अपना क्लास, एक मिनट, ये लो बड़ा कर देता हूँ। ये देखो क्या करना है, यूनिक अकेडमी की वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट में जाने के बाद में आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है, कोर्सेज पे करने के बाद में सीएसईटी पे क्लिक करना है, सीएसईटी पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, ये देखो यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। फिर डाउनलोड सीएसईटी स्टडी मटेरियल, तो यहाँ से डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। अब डाउनलोड में दो ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है सुनना अच्छे से। सबसे पहला नोट्स है, फिर प्रिंटेबल मॉड्यूल जो आईसीएसआई के मॉड्यूल है आपकी नोट्स मॉड्यूल वो, फिर स्कैनर्स है, स्कैनर का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर एमसीक्यूज दिए हुए हैं, स्कैनर का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर एमसीक्यूज दिए हुए हैं। और उसके बाद में फोर्थ वन क्या है, आपके टेस्ट है, ठीक है। चलो मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल लॉ, लीगल रीजनिंग और मैराथन, ये सारे नोट्स आपके अवेलेबल है। चलो मैं इकोनॉमिक्स के ओपन कर लेता हूँ, चलिए ये फाइनल पीपीटी है, ये क्या आया, ये कुछ तो गड़बड़ लफड़ा हुआ है नोट्स, एक मिनट, हाँ दो डबल क्लिक करना मिल जाएंगे, ये देखिए ये आपके पीडीएफ मिल गए आपके, तो पीडीएफ पे डबल क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा, इसको मस्त पे के डाउनलोड करने का भैया, है ना। ये देखो इधर बहुत भारी आदमी की फोटो लगाई हुई है, इसको प्रणाम करने का सुबह शाम रोज। चलिए बाय बाय, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। अरे ये लेक्चर अपलोड कर देना बाबू, ठीक